Hello students, today we are going to study chapter 1 in English reader, Androcles and Lion. Once there was a poor slave in Rome whose name was Androcles. Rome mein ek gulam rehta tha, unka naam tha Androcles. His master was a cruel man. Unke malik bahut nirdayi insaan tha. He was so kind to him that at last Androcles ran away from his master's home. Unka malik jitna nirdayi tha, इसलिए एंड्रोक्लेस को वहाँ से जाना पड़ा. ही हिड इन ए फॉरेस्ट फॉर मेनी डेज. वो ए फॉरेस्ट में बहुत दिन रहा. देयर वॉज नो फूड टू बी फाउंड. वहाँ उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था. ही ग्रू सो वीक एंड सिक दैट ही थॉट ही शुड डाई. वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया और बीमार, वो उन्होंने सोचा अब तो हम मर जाएंगे. वन डे ही टुक शेल्टर इन ए केव. एक दिन उन्होंने एक गुफा में शरण लिया. Soon he was fast asleep. तुरंत उनको बहुत ज़्यादा नींद भी आने लगी. सो भी गए वो. Suddenly a great noise woke him up. अचानक एक बहुत भयंकर आवाज उनको जगा दिया. A lion had come into the cave and was roaring loudly. एक शेर गुफा के अंदर आया और बहुत तेज दहाड़ रहा था. Androcles was very much afraid, for he felt sure that the beast would kill him. एंड्रोक्लेस बहुत ज़्यादा डर गया. उन्होंने सोचा आज तो हम बचेगा नहीं, ये शेर हमको खा डालेंगे. हाउएवर ही सो दैट द लायन वॉज नॉट एंग्री बट दैट ही लिम्ब्ड एज दो हिज फूट हर्ट हिम. लेकिन एंड्रोक्लेस ने देखा शेर बिल्कुल गुस्से में नहीं था. ऊपर से वो ऐसे चल रहा था, एकदम लंगड़ा के चल रहा था जैसे उनके पैर में कोई चोट लगी हो. Then Androcles grew so bold that he took hold of the lion's lame paw to see what the matter was. इसलिए Androcles ने जो शेर के पैर पकड़ के देखा जो उसका लंगड़ा वाला पैर में क्या हो गया है. The lion stood quite still and rubbed his head against the man's shoulder. शेर जो है Androcles का पैर देख रहा था. शेर एकदम शांत खड़ा था और Androcles के कंधे पर अपना सिर रगड़ रहा था. और बच्चों आज हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे देते हैं. देखिए जो अंडरलाइन किया वाला वर्ड्स अनकाइंड, हेड, केव, सडनली, रोरिंग, ये वर्ड्स के आपको मीनिंग लिख के याद करना है. और बच्चों आप लोगों से एक बात कहना है, ये वीडियो को आप सीरियसली ले लें क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा. और आज के लिए बस इतना ही बच्चों. कल फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय.